हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम रश्मि रावत और आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने गांव में व्यस्त होंगे। तो आज तारीख है 27 जुलाई और अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हम निकले हैं थोड़ा सा मतलब बाहर घूमने के लिए। जिसके पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मम्मी और सौरभ आए हैं मेरा भाई, तो हमने सोचा कि थोड़ा उनको बाहर घुमाने ले चलते हैं मंदिर में। एक यहाँ पर मानक सिद्ध मंदिर है, तो हमने तो नहीं जाना है बट मंदिर के अंदर, पर मम्मी और सौरभ चले जाएंगे। तो हमने सोचा जब आए हैं उतनी दूर से तो थोड़ा उनको घुमा के ले आते हैं। तो यहाँ पर ही देखो रावत जी अभी गाड़ी कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं और वो उधर सौरभ और अंशी और आदि बाहर हैं। और बारिश तो सुबह से हो ही जा रही है, मतलब कभी बारिश हो रही है कभी धूप आ रही है, मतलब ऐसी मौसम लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, घना जंगल कनारा किसी ने। मम्मी और सौरभ गए मंदिर में, आज मैंने माइक लगाया है और जिसमें आवाज नहीं आ रही है। तो रावत जी कहिए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा है, खुला है यहाँ पर। हाँ। और धान की खुशबू भी आ रही है, हरा हरा हो रखा है चारों तरफ, हवा चलती तो ठंडा मौसम होता है। अंशी के लिए अपनी आवाज में बोलो, अपनी आवाज में तो बोल रहे हैं। हाँ तो रावत जी आप मतलब आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि काश मतलब हम भी जाते अंदर। कोई नहीं, चले जाएंगे, चले जाएंगे बाद में। अभी हमने नहीं जाना है मंदिर वगैरह कहीं भी, तो इस कारण से हम नहीं जा रहे हैं। तो ये था कि मतलब मम्मी और आए हैं तो चलो उनको थोड़ा सा यहाँ पर, मैं बोल रही हूँ मुँह पे इनके लगाया मैंने। वाह, तो मतलब नहीं गए फिर हम। और मतलब यहाँ पे जंगल काफी, पेड़ पौधे जंगली है ना, मांस भी हो रहा है, दूर दूर मकान भी है। ये देखो रावत जी झूला झूलने लग गए थे। तुम ही झूल लो, तुम ही बहुत झूल लो बस। उधर देखो कितनी ग्रीनरी है और इधर कुछ काम चल रहा है वो देखो। अभी मत उतरना बेटू, चक्कर आ रहा होगा ना, आ रहा होगा, उसमें खेल ले, आ उसमें जा। नहीं फटती, साफ ही है वो, जाले 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 कह रहा है इधर से रह दी तू, यहाँ पे वहां पर अंशी वहां पे फटा हुआ है ना, वो टूटा हुआ है मतलब आगे यहाँ पे देख। हाँ आदि आ रहा उधर से झूलते हुए और मैं आ रहा हूँ, सभी मुझे देखो हैं। ये देखो आदि इतना स्लो मोशन में आ रहा है ना, ये देखो क्या फायदा फिर, ये देखो ये देखो। आ भी जा अब, चलो वो देख उधर चले गए पापा और दीदी। ये देखो सौरभ बोल रहा मुझे कार चलान नहीं आती थे, बल तो चला बल अब चलते हैं हम मम्मी और आगे दर्शन करके और अब हम निकलते हैं। घर में बनवाते हैं, चलो क्या भाई किले हंसना चाहिए है, सुंदर लग रहा है जैसे इस पे लगा के, किले हंस रहे हो अच्छा। हम आ गए हैं जियो मार्ट में, यहाँ पर जियो मार्ट है बुटी गांव में। सौरभ बोल रहा मम्मी के क्रीम पाउडर ले लो, छेचमा हमें लग रहा है ले ले, खत्म हो गया ले ले ले, वही तो जाल बाल जब लेने से ले लिया कि बड़े
पापा के पास दो कूड़ा, मेरे पास दे रहा है कूड़ा। हम घर आ गए हैं और 7 बजे के करीबन टाइम हो चुका है। वहाँ से मंदिर से आने के बाद हम वहाँ जियो मार्ट गए, जियो मार्ट से हम उसके बाद यहाँ पर भाई का फ्रेंड रहता है भाई, तो उसके घर गए, फिर वहाँ पर बैठे रहे कुछ देर तक, फिर वहाँ से मतलब बातचीत करके फिर अब घर आ गए हैं। और रावत जी और सौरभ तो मार्केट चले गए क्योंकि कुछ सामान लेके जाना, मतलब सामान लेने जाना था उनको, तो वहाँ चले गए हैं। और गर्मी सी लग रही है क्योंकि बाहर से आके ना उमस सी लगती है। और तो अब मैं खाना बनाती हूँ, फिर ऐसे हो जाता है टाइम, और कल मम्मी और उन्होंने जाना भी है। तो अभी यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं आज बनाई जाए लौकी की सब्जी और खीर और रोटी। अच्छा क्या बोल रहा है, कैसी हो रही है? हाँ तभी तो नानी ने बस सीधा 4 कटोरी खा दी, झूठ। और खाना मैं और दिन अब तो फार को जाना अभी हाँ प्लेट भी खाना वही तो चम्मच भी वही तो बचा कर रहा खोरे है तो। और खाने सर सर खीर जी ले ले और पा दे खाणो छे नहीं बुनी चम्मच भी खान बल वही पड़ खान वही तो हाँ मैं तो कम खान ना सर। सुबह मम्मी और चले गए, और सुबह सुबह चले गए थे वो क्योंकि सोचा टाइम पे निकल जाएंगे तो क्या है कि मतलब गाड़ी मिल जाएगी और टाइम पे घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि गाय वगैरह भी मतलब ऐसी है, फिर पापा के लिए भी दिक्कत हो जाती है ना खाना पीना। तो एक ही दिन रही मम्मी, वो भी बड़ी मुश्किल से आगे, पता नहीं बहुत कम आते हैं मम्मी और, क्योंकि गाय है सब घर भी देखना होता अकेले है ना, तो इस चक्कर में। और आज इतना बेकार लग रहा है ना उनके जाने के बाद, फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, मतलब मन इतना अजीब सा, मतलब घर खाली खाली सा ऐसा अजीब सा लग रहा है। और बच्चे भी स्कूल, मतलब अच्छी भी स्कूल चल के आधी ऊपर है, तो मुझे अजीब सा ही लग रहा है। मैंने अभी खाना बना रही थी तो मैं यहाँ पर बैठी, आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बिल्कुल ठंडा सा, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो यही है मतलब देहरादून में मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का, यही अच्छा लगता है, मतलब वैसे भी अच्छा है, मतलब जो हमारा मतलब ऊपर रहते हैं कुन्नू और उसकी मम्मी, अच्छा मतलब उनका भी काफ़ी स्वभाव अच्छा है, तो उनके साथ भी हमें अच्छा लगता है, बच्चों का भी टाइम पास हो जाता है। और जो हमारे मकान मालिक हैं दाई दादाजी, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बच्चों के साथ भी बोलना चालना, हमारा भी ना कोई रोक टोक भी नहीं करते, तो अच्छा लगता है। फिर ऐसी जगह में ना मतलब घर जैसी फीलिंग आती है फिर, तो इसलिए हमें काफ़ी अच्छी जगह में मिला है, तो अच्छा लगता है, मतलब मत लग गया है यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमारा। तो इस ब्लॉग का मैं करूँगी एंड, और मिलूँगी आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।